नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज मैं आपको रेनगन के विषय में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको रेनगन का ये बताऊँगा। रेनगन एक ऐसा स्प्रिंकलर है जो बड़ा स्प्रिंकलर होता है। आप छोटे स्प्रिंकलर यूज ही करते हैं, तो जो बड़ा स्प्रिंकलर होता है उसको हम रेनगन बोलते हैं। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसमें रेनगन का उपयोग किया जा रहा है एक फील्ड को इरिगेट करने में। आप देख सकते हैं एक लंबी पाइप पड़ी हुई है, इसमें उस पाइप को बोर से कनेक्ट करके और उसमें रेनगन को लगाया गया है। ये तो एक अच्छा उपयोग है किसान भाइयों। आप इसको अपने फील्ड पे भी कर सकते हैं, उन फसलों पे ही इसका उपयोग कर सकते हैं जिनके तने मजबूत होते हैं। जैसे आप इसका उपयोग गन्ने पे कर सकते हैं, मूंगफली पे कर सकते हैं, क्योंकि मूंगफली छोटी क्रॉप होती है। आप अगर पतले तने वालों पे रेनगन का उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। रेनगन के लिए आपको मिनिमम 5 HP की मोटर चाहिए और उसके लिए मिनिमम 2 इंच साइज का पाइपलाइन चाहिए। इसकी जो अलग अलग रेडियस होती हैं, अलग अलग साइज़ की रेनगन होती हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि ये कैसे इरिगेट करता है और कैसे चलता है। ये आप देख रहे हैं कि एक फील्ड पे लगा हुआ है रेनगन, ग्राउंड पे है, क्रिकेट ग्राउंड पे लगा हुआ है, उसकी इरिगेशन कर रहा है। सेम टू सेम इसको जब हम अपने खेत पे लगाते हैं तो हम इसका उपयोग स्टैंड पे करते हैं। तो किसान भाइयों, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 इंची की रेनगन होती है, 1.25 इंची की रेनगन होती है और 2 इंची की रेनगन होती है। जो 1.25 इंची की रेनगन होती है किसान भाइयों, उसको हम 5 HP की मोटर पे लगा सकते हैं। जो 1.5 इंची की रेनगन होती है उसको हम 7.5 HP की मोटर पे लगा सकते हैं एक रेनगन, और जो 2 इंची की होती है उसको हम 10 HP की मोटर पे एक रेनगन आसानी से चला सकते हैं। ये एक संक्षिप्त विवरण था आपके लिए। तो किसान भाइयों, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप कम समय में ज़्यादा सिंचाई करने के लिए कम पानी में आप रेनगन का उपयोग अपनी फील्ड पे कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी मिले, कुछ अच्छा लगे या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी मिले, इसमें आप देख सकते हैं रेनगन जमीन में लगा हुआ है, लेकिन जब भी आप फील्ड पे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं इस समय रेनगन से कैसे पानी निकलता है। तो नीचे अभी टाइप कर रहे हैं, इसको स्प्रेडर बोलते हैं। स्प्रेडर से क्या होता है, हमको अगर ड्रॉपलेट साइज बढ़ाना है या स्प्रे साइज बढ़ाना है तो इसको हम बढ़ा और घटा करके कर सकते हैं। धन्यवाद किसान।